वैसे तो जो देखा है ये दरअसल इन्हीं दोस्तों की जो पार्ट सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। पिछला वाला जो पहला पार्ट था वो पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाके फर्स्ट वाला पार्ट देख लीजिएगा, नहीं तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। और ऐसे भी इस वीडियो भी बहुत अच्छा बना है, इसे देखना बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बाबा हावला। फॉर सी आवर वीडियो सर्च इन यूट्यूब बाबा हावला। आर यू न्यू और न्यू व्यूअर्स इन बाबा हावला, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस एनी वीडियो। तो पिछले वाला जो पार्ट था तो उसमें तो हमने बिरयानी खाए थे, चिकन बिरयानी, तो इसमें हम खाएंगे चाउमीन। तो क्या है ना, एक ही दिन में खाया था लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम छोटा करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करें। तो इस पार्ट में हम चाउमीन खाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए कुछ म्यूजिक के साथ। और हाँ, एक बात और भी बोलूं, मैं यहाँ पे रियल जो डायलॉग होता है हमारे अंदर उसकी कुछ बातचीतें भी यहाँ पर है, अगर गौर से सुनिएगा तो वो भी आपको सुनाई पड़ेगा, ठीक है ना। और वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में आपके लिए कुछ और भी सरप्राइजेस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे है, हम लोग तो आए हुए हैं, पहले तो बिरयानी हम लोग खा लिए हैं, तो बिरयानी खत्म, अब खाने की बारी है चाउमीन, जो कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में वो हक्का चाउमीन नाम का कुछ चाउमीन था। जी हाँ, वो अभी तो आ चुका है चाउमीन। तो चाउमीन में मैंने देखा कि वो मिक्स चाउमीन है, तो सब कुछ मिला के तो मैंने अभी थाली में ले रहा हूँ, तो अभी चेक करने की बारी है तो कैसा है क्या है, ठीक है ना। तो बोला जाता है कि यहाँ की जो चाउमीन है वो अच्छा है, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ये जगह बहुत ही अच्छा बोलते हैं सब लोग। तो ठीक है, देखते हैं। बिरयानी तो अच्छा था और चाउमीन कैसे है वो भी देख लेते हैं, खा के कुछ देर में आपको बताते हैं। और हाँ, और एक बात, हम लोगों ने चाउमीन खाते खाते बहुत कुछ बातचीत भी की, तो उस बातचीत के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट कुछ बातचीत थे हमारे अंदर, तो वो आप लोगों को भी काम आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहिए। तो जो रायता दिया था ना बिरयानी के साथ, वो रायता मैंने कुछ बचा के रखा था, कि मैंने देखा कि रायता बहुत अच्छा लग रहा है तो चाउमीन के साथ खाने के लिए मैंने बचा के रखा था रायता। तो देख सकते हैं कि मैंने रायता चाउमीन के अंदर दे के खा रहा हूँ, तो खाने में टेस्ट अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। अब क्या बोलते, चाउमीन तो ऐसे ही अच्छा है और रायता के साथ अगर खाए हैं हम तो और भी अच्छा लग रहा है, रायता के साथ तो क्या बोले, चाउमीन और भी अच्छा लगता है, ऐसा ही बात है। तो जो कि हम बात कर रहे थे एनर्स के बारे में, बात कर रहे थे हम लोग, तो क्या बोले अब एनर्स के बारे में, हम लोग इंडियन तो हम जानते हैं बहुत लोगों की, बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम है कि एनर्स को लेकर। तो उस बारे में हमने बोला कि जिन लोगों के पास तो सब कुछ है तो उन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास जो पिता का और उसके पिता का जो आधार कार्ड समथिंग वगैरह वगैरह जो भी होता है वो नहीं है, तो उन लोगों को लेकर हमारे जो प्रधानमंत्री है उसने बोला था कि वो लोग हमारे देश में नहीं रह पाएंगे। तो मैं इसको लेकर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री साहब ने कुछ बोले है तो मतलब हम क्या बोले वहाँ पे, हम तो साधारण से नागरिक है ना। तो ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक पे आए थे कि नौकरी के बारे में आए थे, कि हम लोगों को तो हम बात कर रहे थे कि कहाँ पे क्या किया जाए। तो अभी तो देखो भाई, नौकरी का जो सवाल है, अभी जो कंडीशन है मार्केट का वो तो बहुत ही खराब है, लोग इतना ज्यादा बढ़ गया है और कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर आप लोग नौकरी करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, नौकरी अगर करना चाहते हो तब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो कहाँ पे नौकरी करोगे, यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे इंडिया की। तो इसको लेकर हम और क्या बोले, तो यही कुछ बातचीत हो रहा था, तो हम लोगों ने बोला कि अगर जो होता है तो होता है, नहीं तो बाद में देख लेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ बातचीत हो रहा था, और हमारे जो दोस्त थे वो तो कुछ सर के पास भी गए थे, सर के पास जाके पढ़ते थे, उसके बारे में हमने बातचीत की, और
हमने बातचीत की कि उस जी हाँ गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप लोग तो अगर देते होंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट सर्विस जो रेल होता है ना उसमें 100 मार्क्स जी हाँ 100 मार्क्स की क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन होता है वहाँ पे और उसको कंप्लीट करना है ओनली 60 मिनट्स के अंदर यानी एक घंटे के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। इसका मतलब समझते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम आपको मिलेगा तो आप सोच लीजिए कि कितना कम टाइम पे आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो समझो और उसके बाद आंसर करो तो एक करने में आपको 1 मिनट से क्या बोले 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम लेना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा ले लेते हैं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो यही बहुत सबसे बड़ा दिक्कत है। तो मैंने बैंक की कोई एग्जाम नहीं दी तो मेरे फ्रेंड्स ने बैंक की कुछ एग्जाम दिया है तो बैंक के बारे में उसने जो बोला कि 35 क्वेश्चन होता है और 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है तो उसने SBI का जो जॉब का जो एग्जाम होता है उसके लिए दिया था एग्जाम तो उससे मुझे ये जानकारी मिली कि ऐसा भी होता है भाई 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। अब क्या बताएं आप लोग तो जानते हैं बाकी सारा चीज तो उसको लेकर मैं मेरा और भी एक चैनल है मेरे नाम पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा वीडियो की जो नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन मेरा साइट में जो होम पेज में जाएंगे तो साइट में जो एडिशनल चैनल नाम का देखने को मिल जाएगा वहाँ पे मैं दे रहा हूँ कुछ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कैसा क्या करना चाहिए ठीक है ना। तो जॉब तो आने वाले टाइम पे जॉब नहीं होगा भाई किसी के लिए तो ये आप मन के चलिए तो वो पार्ट लेके मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा वो बात में उस चैनल में करूंगा ठीक है ना। तो अब हमारी बात हुई थी मोबाइल के बारे में ये जो हम बोला जाता ना ऑनलाइन में जो मोबाइल हम देते हैं कि ये देखो ऑनलाइन में हम मोबाइल तो खरीदते हैं लेकिन ऑफर में खरीदना पसंद करते हैं लेकिन आप जानते हैं ऑफर में कौन सा मोबाइल दिया जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ फॉल्ट होता है। जी हाँ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो फॉल्ट होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान है उसमें तो वही माल ऑनलाइन में उस टाइम पे दिया जाता है जिस टाइम ऑफर चलता है तो ऑफर में वो सारा माल बिकता है तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा आप अगर सही माल लेना चाहते हैं तो ऑफर में मत कीजिए। तो ऑफर में फॉल्ट तो होता ही है क्योंकि मैंने देखा था ऑफर में फॉल्ट होता है मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है तो आपको मैं वो भी बाद में बताऊंगा किया था ठीक है ना। तो और एक बात क्या बोले हम हमारे जो दोस्त लोग थे वो लोग तो खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहले तो बिरयानी खा चुके हैं चिकन बिरयानी और क्वांटिटी भी बहुत सारा था तो हम हमारे दोस्त थोड़ा ज्यादा खा नहीं पाते लेकिन हम तो बहुत ज्यादा खाते हैं भाई ठीक है ना हम बहुत ज्यादा खाते हैं हम कभी ना नहीं करते। तो प्लीज जिन लोगों ने भी इस वीडियो देख रहे हैं आप अगर खाना पसंद करते हैं मेरी तरह तो प्लीज जिन लोगों ने मेरी तरह खाना पसंद करते हैं उन लोगों को इस वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है ना। तो उनको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा तरफ फायदा भी हो जाएगा और फिर देखिए वीडियो बनाने में तो बहुत कष्ट होता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को अगर नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा तो हमारा थोड़ा सा मदद हो जाएगा ठीक है ना। और क्या बोले हाँ और हम बात कर रहे थे कि मोबाइल के बारे में जी हाँ आप अगर हमारे चैनल फॉलो करते हैं तो आपको मोबाइल के बारे में देखने को मिल जाएगा कि सिंथेटिक मोबाइल क्या है सेमी सिंथेटिक मोबाइल के बारे में और ऐसे ही कुछ। तो मेरे चैनल में एक वीडियो है मोतू का जो मैंने बाइक में भी फील मोबाइल हाउ टू फील मोबाइल एंड बाइक ऐसा भी एक वीडियो है और मोतू का जो फुल सिंथेटिक मोबाइल का जो अनबॉक्सिंग है उसका भी वीडियो है हमारे चैनल में। तो उसको लेकर हम बात कर रहे थे कि मोबाइल कौन सा डालना चाहिए तो हमारे ख्याल से तो फुल सिंथेटिक ही डालना चाहिए क्योंकि उसमें तो जो प्राइस रेंज होता है ना उससे अगर कंपेयर करते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है वो आपको ज्यादा फायदा देगा क्योंकि उसका जो रेंज है किलोमीटर रेंज वो बहुत ज्यादा है। आप एक फुल सिंथेटिक मोबाइल खरीदते हैं तो आपको 6,000 से 7,000 किलोमीटर का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ तो आप खुद ही समझ लो कि इतना ज्यादा परफॉर्मेंस हो जाता है फुल सिंथेटिक मोबाइल में तो ये बहुत ही अच्छा बात है। मोबाइल के बारे में तो और क्या बोले ऐसा ही है। और जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आपको एक बात बता दे कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स तो खाने के बीच बीच में नहीं खाना चाहिए ये तो पहली बात हो गया क्योंकि मैंने एक फूड चैनल वहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना इसमें जो शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए हमारे स्टोमक में प्रॉब्लम होता है अगर हम बीच बीच में खाते हैं तो ये गैस फॉर्म करता है तो हमें एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको खाना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक ही खाने से ज्यादा अच्छा होता है लेकिन खाने के बाद अगर कुछ रिच खाया जाए तो उसके बाद अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं तो इससे अच्छा होता है हमारा जो हमारा स्टोमक अच्छा काम करता है इसे खाने से। तो मैं बोलूंगा वो बिल्कुल गलत है वो लोग बिल्कुल गलत है क्योंकि एक खाने से कुछ नहीं होता है खाने से उल्टा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। जी हाँ अगर आप कुछ रिच खाते हैं तो उसके बाद अगर कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ सकता है जी मैं बता रहा हूँ आपको कभी भी ऐसा मत सोचना कि कोल्ड ड्रिंक्स खाने से आपको अच्छा हो जाएगा ठीक है ना।
तो आपका अगर कंडीशन ठीक नहीं है स्टोमक का तो कोल्ड ड्रिंक्स मत पिया कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स में प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो और बाकी तो आपके मर्जी है, ठीक है ना। हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि हम जिस होटल में आए हैं तो होटल या रेस्टोरेंट जो भी बोल सकते हैं आप, तो यहाँ के जो क्या बोले जिन लोगों ने सर्व कर रहा था तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से सर्व किया। तो आप देख सकेंगे वीडियो के सीन में कि उसने जो टिश्यू पेपर से वहाँ पे साफ कर रहा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो केक खाते वक्त केक वहाँ पे गिर गया था, तो उसने जो यहाँ से टिश्यू पेपर लेके उसको साफ किया, तो अच्छा लगा मुझे। और हाँ, और वेट मशीन के बारे में हम बात कर रहे थे कि हेल्थ सेंस का जो वेट मशीन है उसको हमारे जो फ्रेंड्स है उसके पास हेल्थ सेंस का एक वेट मशीन है। तो वेट मशीन क्या हुआ है कि वेट मशीन के नीचे जो सेंसर होता है, चार सेंसर, तो उसमें से एक का जो ढक्कन होता है ना वो खुल के निकल गया, तो इसलिए जो रीडिंग होता है ना वेट का तो वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं आ रहा है, तो यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो ठीक है, तो इसको लेकर हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि वो कहाँ पे जाकर ठीक किया जाए कि क्योंकि उसने तो फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो फ्लिपकार्ट अगर वापस लेगा कि नहीं लेगा वो मुझे पता नहीं। एक साल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी तक तो वारंटी है। हेल्थ सेंस का जो कस्टमर केयर है उसको फोन करके हम पता करेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। और इस होटल में जो कैमरा है जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि सीपी प्लस है, जी हाँ, सीपी प्लस का जो सीसीटीवी कैम है। तो मेरे चैनल में आपको सीसीटीवी का जो सीपी प्लस का जो ब्रांड है उसका क्या बोले उसका जो डीवीआर और कैमरा वगैरह की जो फिटिंग है उनको उसका जो वीडियो है वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने फिलहाल एक सीसीटीवी, जी हाँ, एक चैनल का सीसीटीवी खुद इंस्टॉल किया है। यही बात है, तो आप देख सकेंगे कि हमारे चैनल में वीडियो अभी है, बहुत सारे वीडियो है, देखने अब जरूर चैनल में आके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको लिंक देखने को भी मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आई बटन में तो मिल जाएगा। और ये आप मिस करते हैं तो आपको बाद में मिल जाएगा। हाँ, और हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन होता है ना, बेल बटन में हिट करना हो, नहीं तो वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुंचेगा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और हाँ, एक और बात तो बताना आपको भूल गया कि अब तो पूरी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या करें हम। तो हमने आज सुबह सुबह तो निकले थे बाहर, तो कुछ वीडियो खींचे थे, तो वो भी मैं आने वाले टाइम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए, मैंने बहुत अच्छा म्यूजिक डाला है, ठीक है ना। और आप प्लीज भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और जैसे कि मैं मिलता ही आप तो जानते ही हैं। ओके बाय, और थैंक यू आप सब लोगों को, ठीक है ना। Think I care and begging.
अरे देखिए, जिस सरप्राइज की मैंने बात कर रहा था, तो एक वैसे नवाबों के शहर से हूँ, हारे हुए बाजी को जीतने का हुनर रखता हूँ, नाम मेरा ऐसे ही बदनाम नहीं है, न जाने कितनों के दिलों पर राज करता हूँ। मेरा जो वीडियो था उसी का एक जो पार्ट था कि केक खा रहे थे हम, तो केक भी बहुत अच्छा था। आजकल तो बहुत सारा केक न्यू एमोल का ही आता है, तो क्या बोले आप, तो सेल्फी देख लीजिए आप हमारे साथ, तो और बिरयानी देख लीजिए, ये पहले वाला था वीडियो में, और अभी जो वीडियो है इसका जो है चाउमीन। जी हाँ, देखिए यही है वो हक्का चाउमीन बोल के, जो चाउमीन है मिक्स चाउमीन जो भी है यही है, और बाकी आप देख लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। आर यू न्यू और न्यू व्यूअर्स इन बाबा औला, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस एनी वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंचा दीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।